फतेहपुर में बुधवार को जिले के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान जिले के कुसुम्भी गांव में दिव्यांगों और वृद्ध जनों को कंबल देकर सम्मानित किया गया, जहां ग्राम प्रधान सरला देवी के प्रतिनिधि पति शिवा सिंह ठाकुर ने शान से तिरंगा फहराते हुए सभी का सम्मान किया। वहीं दूसरी ओर प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू ने करमचंद सांडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ विद्युत उपकेंद्र और सनगांव स्थित निजी विद्यालय में तिरंगे को सलामी देकर गणतंत्र दिवस मनाया। हसवा विकास खंड स्थित कुसुम्भी गांव में प्रधान प्रतिनिधि शिवा सिंह ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम का संकल्प पहले ही लिया जा चुका था, जिसके तहत बुधवार को पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 100 से अधिक लाभार्थियों को कंबल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं प्रधान संघ के अध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू जिले के सनगांव स्थित एक निजी विद्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। नदीमुद्दीन पप्पू ने विद्यालय परिवार और छात्र छात्राओं को राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का संकल्प दिलाया, साथ ही सभी से संविधान के प्रति समर्पित रहने की अपील की। संकल्प मन में था कि हम आज से 7 महीने पहले प्रधानी की शपथ लिए थे, तब से हमारा कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। हमने एक विचार बनाया कि हमारे गाँव में कुछ विकलांग लोग हैं, लगभग 85 विकलांग लोग हैं, तो उनको हमने आज का गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का कार्य किया है। एक कंबल वितरण एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन आज जो शांति और सुकून मिला हमें उन्हें सम्मान देके, केवल कंबल और लड्डू और प्रसाद देके उन्हीं के द्वारा झंडारोहण करवाया गया है, बस यही कार्यक्रम। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।